एक ही घराने के पांच लोगों की मैयतों में से दो की शनाख्त होने के बाद जैन पोलानी और उनकी अहलिया सारा जैन की नमाज जनाजा आलमगीर मस्जिद बहादुराबाद में अदा कर दी गई, जबकि उनके तीन बच्चों की लाशों की शनाख्त नहीं हो सकी। नमाज जनाजा में कारोबारी शख्सियात के अलावा मौजज़ीन शहर की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मरहूम के रिश्तेदार मोहम्मद अयास का कहना था कि हादसे की जिम्मेदार PIA इंतजामिया है, ताहम जिम्मेदारों के तायुन के लिए हादसे की साफ और शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात होनी चाहिए। मरने वाले शहीद होने वाले तो शहीद हो गए, लेकिन उनके पीछे जो खानदान जिंदा हैं, जो उनको अपने प्यारों की लाशें ढूंढने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। और पोलानी साहब के घराने के जो पाँच अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, शहीद हो गए, मैं इस पर गम का इजहार करता हूं। मरहूम के एक और रिश्तेदार मोहम्मद हुसैन ने कहा कि दो लाशें मिल गई हैं और तीन की शनाख्त नहीं हुई। हम मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द तीन लाशों की भी शनाख्त करके हमारे हवाले की जाए। DNA टेस्ट अभी तक नहीं हुए हैं, लाशें उनके खानदान को नहीं गई हैं, और बड़े अफसोस की बात है कि एक ही खानदान के पाँच अफराद शहीद हुए थे, दो की लाशें मिल गई जिनके जनाजे आज पड़े गए।